हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। आई वेलकम यू इन आवर ऑनलाइन क्लासेज। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड आवर थ्री लेसन्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन नंबर फोर, द ट्रेजर विद इन ऑफ एट्थ क्लास फ्रॉम द बुक इट सो हैपन। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय हु वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द एजुकेशन ड्यूरिंग द स्कूल टाइम, बट लेटर ही बिकेम द लीडिंग आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो कहानी है एक लड़के की है जिसका नाम है हाफिज़, जो कि बाद में हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बना, ओके, जो कि भारत के एक बहुत ही मशहूर आर्किटेक्चर बने। उनके और एक बेला राजा नाम के एक संपादिका हैं, ठीक है, स्पर्श न्यूज़पेपर की। तो उनके बीच में एक इंटरव्यू हुआ, उसकी बातचीत सब कुछ इसमें आपके सामने दिया गया है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी सभी बच्चों के लिए और मोटिवेशनल स्टोरी है ये। आई होप यू वुड गेट मोटिवेशन फ्रॉम दिस स्टोरी। तो शुरू करते हैं। एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हिज और हर स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है कि हर एक बच्चा योग्य है, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का मीनिंग होता है सामर्थ्य, कि हर एक बच्चे में सामर्थ्य होता है, उसके अंदर ऐसी शक्ति होती है, अंतर्निहित शक्ति होती है कि वो अचीव कर सकता है, कुछ भी अचीव करने की वो योग्यता रखता है। एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, और वो दूसरे बच्चों से अलग होता है किस चीज़ में? इन हर और हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि वो दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग होता है सीखने में, ठीक है। जो स्टाइल मतलब शैली, और लर्निंग मैंने सीखना या ज्ञान प्राप्त करना, कि उसका सीखने का तरीका भी अलग होता है, और उसके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो सीखने की और उसका जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो भी अलग अलग होता है। अब रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोस। इस इंटरव्यू को पढ़िए जो कि नीचे दिया गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा। ये एक कन्वर्सेशन है किन किन के बीच में? बेला राजा और हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, ठीक है। बिटवीन बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श, संपादिका हैं, ठीक है। लेडीज़ के लिए हम संपादिका यूज़ करते हैं, और संपादक किसके लिए? जेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वो स्पर्श एक न्यूज़पेपर है जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? द वैली स्कूल बेंगलोर के अंदर। और हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कौन है? वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट्स, ठीक है, भारत के अग्रणी जो आर्किटेक्चर हैं, जो बिल्डिंग वगैरह का जो मैप वगैरह बनाते हैं, उनको आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में एक इंटरव्यू हुआ था, उसका कुछ एक हिस्सा आपको सामने दिया गया है। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। एक स्कूल के समय में एक बच्चे के रूप में जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर थे, वो काफ़ी नाखुश थे। ही लव्ड डूइंग थिंग्स, उनको चीज़ें मतलब कुछ ना कुछ करते रहना पसंद था, लेकिन डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग, लेकिन डिटेस्टेड का मतलब क्या होता है? घृणा करना, लेकिन उनको नफरत थी मैकेनिकल लर्निंग से। मैकेनिकल जो यांत्रिक, जैसे ये जो जितने भी मशीन वगैरह है, इन सभी की जो स्टडी, उसको मैकेनिकल बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उनको घृणा थी मैकेनिकल जो शिक्षा थी, यांत्रिक जो शिक्षा थी, उनको लेकर काफ़ी नफरत थी। और मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स। शिवर्स मतलब कंप कपी या कांपना, लेकिन जो मैथमेटिक्स जो था सब्जेक्ट था, मैथ जो सब्जेक्ट था, वो उनको कंप कभी देता था। वो मैथ का नाम सुनते ही कांपना शुरू कर देते थे। व्हाट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। ऐसा क्या था कि उनके प्राध्यापक ने या उनके जो मुख्याध्यापक जो थे, उन्होंने कुछ कहा और जो उनका इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, और डीपली मतलब गहराई, जिसका प्रभाव बहुत गहरा उनके ऊपर पड़ा। तो शुरू आगे जो लेसन है वो इस प्रकार है। कह रहे हैं हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर है और बेला राजा का बीआर, ठीक है, इस बात में कन्फ्यूजन नहीं रखना। HC हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर और BR बेला राजा। आई यूज्ड टू होता है ऐसी चीज़ जो बार 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 घटित हो या आदत बन जाए, ठीक है। तो कह रहे हैं आई यूज्ड टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, कि मुझे टेरिबल भयानक नाइटमेयर, बुरे सपने, मुझे बहुत भयानक बुरे सपने आते थे। ओनली नाउ, सिर्फ अभी से, ओवर द लास्ट 4 to 5 years, इट सीम्ड टू हैव
डिसअपियर। सिर्फ चार पांच पिछले 4-5 सालों से ऐसा लगता है कि ये आने बंद हो चुके हैं। डिसअपियर मतलब बंद हो जाना या गायब हो जाना, कि ये सपने आने गायब हुए हैं अभी 4-5 सालों से ही। अब बिल्ला राजा पूछती हैं उनसे, वट नाइट मेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वट डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर नाउ। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कौन से नाइट मेयर हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये अभी आने बंद हुए हैं, मतलब अभी आने ये बंद हो चुके हैं, क्या बात है। डिसअपियर मतलब गायब हो जाना या बंद हो जाना। ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं वो अब क्या कह रहे हैं कि आई यूज्ड टू गेट कंटिन्यूस नाइट मेयर्स अबाउट अपियरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। कह रहे कि मुझे कैसे सपने आते थे, बार बार ऐसे बुरे सपने आते थे कि मानो किसके बारे में, अपियरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन, कि मैं मैथ के एग्जामिनेशन में एग्जाम में बैठा हूँ और जहाँ मुझे कुछ नहीं आता मैथ का। नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। साइकी का मतलब क्या होता है, साइकी का मतलब होता है मेंटेलिटी, मेंटेलिटी या आपकी मनोदशा। ठीक है, लेकिन मेरा जो मानसिक, जो मानसिकता है मेरी, उसने उसके ऊपर काबू पा लिया। हैव गॉटन ओवर इट, गॉटन मैंने पाना होता है, कुछ ना कुछ पा लेना। ठीक है, ओवर इट मतलब उसके ऊपर, मतलब जो मेरी साइकी है वो उसके ऊपर हावी हो चुकी है, मेरा मन जो है उसको काबू कर चुका है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। अब मेरे आई डोंट हैव टू थिंक, मुझे उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अबाउट एजुकेशन, किसके बारे में, एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। और देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम, और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है टू गेट नाइटमेयर्स, कि बुरे सपने मेरे पास आए, क्योंकि वो अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि वो, उनके पास अब समय ही नहीं है कि वो शिक्षा के बारे में सोचें, एजुकेशन के बारे में सोचें और अपने नाइटमेयर्स के बारे में अब ज़्यादा सोचें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी काम कल शुरू करते हैं, नया दिन और नया काम शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।